सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य सिंघल है एंड मेरे सिविल सर्विसेज 2018 में 38 रैंक आई है. एंड और आज मैं आप सबके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि आप घर बैठे ही कैसे अपनी सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो जिनको मैं तोड़ना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से. मैं दिल्ली का निवासी हूँ, फिर भी आप सबके साथ यहाँ के कुछ इनसाइट्स शेयर करना चाहता हूँ. सो पहला तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि UPSC की तैयारी करनी है तो दिल्ली आना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. सबसे पहले ये एक मिथ है. बहुत सारे लोग कोचिंग लेते हैं. मैंने 2017 में ली थी, 16-17 में, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो नहीं पाया था. क्यों? क्योंकि जब मैं कोचिंग जाता था इन सब चीज़ों में मेरा काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाता था और इस वजह से होता क्या था कि सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम बचता था. सो सेल्फ स्टडी का टाइम बचने नहीं होने की वजह से 2017 में मैं इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया और 2018 में मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया, घर पे रह के तैयारी करी और मेरा 38वां रैंक आया है. और उसी के कुछ आपके साथ कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप घर पे रह के कैसे तैयारी करें. सबसे पहली चीज़, घर पे रह के तैयारी करने के कुछ फ़ायदे हैं. जैसे कि आपको बना बनाया खाना मिलता है, धुलाए धुलाए कपड़े मिलते हैं, आपका अपना एक रूम होता है, मम्मी पापा से या भाई बहनों से बात करके आपका माइंड फ्रेश हो जाता है. लेकिन जनरली होता क्या है कि हम राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर कहीं पे भी आके पीजी में रहते हैं, पहली बात तो पीजी का साइज़ बहुत छोटा होता है, बातचीत करने के लिए कोई होता नहीं है और हर चीज़ के लिए परेशान होना पड़ता है. आपको अपने खाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कोई उसके बाद फिर कपड़े धुलवाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों में काफ़ी पैसे भी जाते हैं, आपका समय भी जाता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है और कभी कभी आपकी ट्यूनिंग बैठ भी नहीं पाती है लोगों के साथ. तो इसीलिए मैं भी पर्सनली घर पे 3 साल घर पे ही रहा हूँ, घर से ही अप डाउन करता था और घर सेकेंड हैंड में पूरी तरह से घर पे रह के ही तैयारी करी. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जैसे कि ये एक मिथ था उस टाइम पे ही कि कोचिंग लेंगे तो IAS बन जाएंगे, इसीलिए मैंने भी पैसे अरेंज करे, इधर से पैसे कोचिंग की फ़ीस पे करी. लेकिन बाद में देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तो ही UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं कोचिंग की फ़ीस वगैरह अरेंज करने में. इनकेस कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है या कोई नहीं कर पाता है तो वो डिमोरलाइज ना हो और UPSC की तैयारी खुद से भी करी जा सकती है घर पे बैठ के और खुद से करने का प्रयास करें. और ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खुद से तैयारी करके घर पे रह के क्लियर भी करा एग्ज़ाम. मैं खुद एक दिल्ली का रहने वाला हूँ, अभी गाज़ियाबाद में रहता हूँ और ये राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर ये सब जगहें मेरे आसपास ही हैं तो मैं चाहता तो वहाँ पे एक कमरा ले सकता था अपने रहने के लिए PG, लेकिन मैंने सोचा कि वो ना लेना ही बेहतर है. और आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया कि खाने की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद फिर कपड़े धुलवाने की और फिर ये वो 50 तरह के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं तो ट्रैवलिंग से ज़्यादा टाइम मेरा वहाँ पर रहने में लोगों का वेस्ट हो जाता है. जो लोग दिल्ली से बाहर से आए हुए हैं, दूसरे शहरों से आए हुए हैं, उनके लिए तो एक नेसेसिटी है कमरा, लेकिन जो लोग आसपास रहते हैं वो घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं या लोग जो लोग काफ़ी दूर दराज हैं वो भी घर पे रह के खुद ही तैयारी कर सकते हैं. लोगों के दिमाग में काफ़ी फैंसी इमेज होती है कि राजेंद्र नगर में काफ़ी बढ़िया कमरे होंगे, काफ़ी बढ़िया हाल होंगे, टीचर्स मिलेंगे, सब कुछ है, लेकिन ये एक मिथ है क्योंकि राजेंद्र नगर में स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं और काफ़ी सारे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं. इस वजह से होता क्या है कि जो कमरों का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है वहाँ पे, और कमरों का साइज़ छोटा होने के साथ साथ जितने भी ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या जो हाउस ओनर्स हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं जनरली छोटे छोटे कमरों के लिए, बहुत ही हाई आपसे बहुत ज़्यादा रेंट मांगेंगे और कभी कभी होता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते. तो उससे तो बढ़िया मैंने खुद भी यही प्रेफर करा कि मैं अपने घर पर रहूँ और घर पर रह के ही तैयारी करूँ. अब आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं घर पर बैठ के कैसे तैयारी करूँ, तो इस सवाल का भी मैं आपको साथ साथ जवाब देना चाहता हूँ. सबसे पहले तैयारी करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लें कि ये एग्ज़ाम के कितने स्टेजेस हैं. इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. और अब इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है और इंटरव्यू में किस तरह से पूछा जाता है, काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है. UPSC की वेबसाइट पर जाइए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए या कहीं से भी अरेंज कर लीजिए, नेट पर ऑनलाइन ही देख लीजिए. UPSC का सिलेबस देखिए, उसके बाद प्रीलिम्स की और मेंस की इन पेपरों की बुक लिस्ट डिसाइड कर लीजिए. ये बोलूँगा कि कम से कम सोर्सेज पढ़ने हैं और एक सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है. न्यूज़पेपर में जनरली सब लोग हिंदू ही पढ़ते हैं, मैं भी हिंदू ही पढ़ता था
इंटरव्यू के टाइम पे एक न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा कर लेता था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए हिंदू पढ़ता था, और एक बुक लिस्ट जो मैं फॉलो करता था आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कॉमन है जो मैं ये किताबें बोलूँगा, ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ये प्रीलिम्स की जो बुक्स हैं वो मेंस के काफ़ी सारे पेपर्स हैं जिनमें कॉमन भी हो जाती हैं। जैसे कि प्रीलिम्स की पहले हिस्ट्री की किताब है, हिस्ट्री के लिए मैं स्पेक्ट्रम पढ़ता था, और स्पेक्ट्रम उसके बाद ये मॉडर्न इंडिया की थी, एंशंट और मेडिवल के लिए एनसीईआरटी पढ़ता था हिस्ट्री की, ज्योग्राफी के लिए 9th to 12th एनसीईआरटीज ओनली। बहुत सारे लोग बोलेंगे जी सी लियोंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि उनमें से ज़्यादा कुछ वो काफ़ी पुरानी बुक्स हैं और मुझे पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के लेक्चर्स को रेफ़र करा था, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, मृणाल सर के लेक्चर्स को रेफ़र करता था इकोनॉमिक्स के लिए, साथ में करंट अफेयर्स। एनवायरनमेंट के लिए मैंने अपने जो मुझे कोचिंग से बुकलेट मिली थी वो रेफ़र करी थी, साथ में करंट अफेयर्स। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर के नोट्स अवेलेबल थे, अब उनकी बुक भी आ गई है, वो रेफ़र कर सकते हैं आप लोग। और पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत रेफ़र करता था। इनके साथ साथ जो भी मेरे को क्लास नोट्स वगैरह मिलते थे या जो स्टडी मटेरियल मेरे को इधर उधर से अवेलेबल होता था मैं वो रेफ़र करता था। क्लास नोट्स मेरे बेसिकली संकल्प के थे, जहाँ पे मैं पहले जाता था, उसके बाद फिर मैं वाजिराम जाता था, थोड़े बहुत क्लास नोट्स वहाँ के थे। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ कोई भी एक मंथली मैगजीन को रेफ़र करें, और जिसको कर रहे हैं उसी को रेफ़र करें, कोई भी एक, चाहे वो इनसाइट्स की हो, विजन की हो, या वाजीराम की हो, या कोई भी हो जो आप एक्स वाई जेड रेफ़र कर रहे हैं, सिर्फ एक मैगजीन, और पूरे साल उस एक मैगजीन पे ही डिपेंडेंट रहिए। अगर ज़्यादा मैगजीन्स पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। अब आप सबके साथ एक सब जब तैयारी शुरू करते हैं तो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, और न्यूज़पेपर में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे इनिशियली 3 से 4 घंटे लग रहे होंगे, 5 घंटे लग रहे होंगे। तो सबसे पहली बात ये, अगर 3-4 घंटे लग भी रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियली जब हम शुरू करते हैं तो हमें टाइम लगता ही है, क्योंकि न्यूज़पेपर इतना डीप में डिटेल में पढ़ने की हैबिट नहीं होती है। तो इनिशियली 2-3 घंटे लग रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आराम से लगाइए। बस एक चीज़ की कोशिश करिए कि आप लोग उन चीज़ों को अवॉइड करें जो चीज़ें नहीं पढ़नी है, किसी भी तरह की पॉलिटिकल न्यूज़ है या कोई अननेसेसरी न्यूज़ है या स्पोर्ट्स सेक्शन है वो यूपीएससी से रिलेवेंट नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। रीजनल न्यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं, बट एडिटोरियल और जो नेशनल न्यूज़ है और जो फ्रंट पेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको थॉरली पढ़िए। और अगर ज़्यादा टाइम इनिशियली लग भी रहा है तो घबराइए मत, धीरे धीरे वो टाइम अपने आप कम हो जाता है। जैसे मैंने भी शुरू करा था तो इनिशियली 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन बाद में वो कट शॉर्ट होकर 1.25 घंटा में आराम से न्यूज़पेपर हो जाता था। इनिशियली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो एक ही न्यूज़पेपर रेफ़र करिए, क्योंकि अगर आप इनिशियली ही 2-3 न्यूज़पेपर रेफ़र करना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, हर न्यूज़पेपर में एक ही टॉपिक के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और जब आप ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे तो दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। इस तरह के पर्सपेक्टिव्स जनरली इंटरव्यू में काम आते हैं। सो प्रीलिम्स इवन मेंस तक आप एक ही न्यूज़पेपर रेफर करिए जो भी पढ़ रहे हैं, ओनली वन। साथ में अगर कुछ फिर भी कन्फ्यूजन है तो आजकल यूट्यूब पे न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आता है, काफ़ी सारे लोग अपना पर्सनल बना के डालते हैं कि न्यूज़पेपर, आप उसको रेफर कर सकते हैं इनकेस न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा है। और साथ में आप जिस्ट भी पढ़ सकते हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं काफ़ी सारे, उन पर आप जिस्ट रेफर कर सकते हैं जो करंट अफेयर्स की डेली जिस्ट है। जनरली जो मैं पोर्टल रेफ़र करता था वो इनसाइट्स ऑन इंडिया का पोर्टल था, उस पर डेली करंट अफेयर्स के न्यूज़ अपलोड होती थी और मैं डेली उसको 10-15 मिनट लगते थे पढ़ने में। उससे क्या होता था, एक रिवीजन भी हो जाता था, मॉर्निंग में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, दिन में घूमते चलते फिरते आपने वो रेफ़र कर लिया, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। एक तो कॉन्सॉलिडेट हो जाता है, रिविजन भी हो जाता है, फिर लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में याद भी रहता है। अब कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जनरली जब हम कोचिंग जाते हैं तो हमारा एक टाइम टेबल बना रहता है, लेकिन जब हम घर पे रह के तैयारी करते हैं तो वो टाइम टेबल, ऐसा देखा, ऐसा ऑब्जर्व करा है मैंने भी और होता भी है कि वो टाइम टेबल बन नहीं पाता है, और उस वजह से क्या होता है, फिर लोग बोलते हैं घर पे बैठ के तैयारी नहीं हो पा रही। तो सबसे पहला आप सबसे यही अनुरोध करूँगा, जो जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए। ये सोच लीजिए कि मैं खुद को, अपने आप को ही कोचिंग दे रहा हूँ, एक तो उससे आपके पैसे भी बचेंगे, आप डिसिप्लिन भी रहेंगे, और टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में, ये ट्रैक करने के लिए कि आपने क्या पढ़ा है, कितने टाइम में क्या नहीं पढ़ा है। और जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें रियलिस्टिक टारगेट्स बनाइए, जितना आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। सपोज़ आपकी कैपेसिटी अगर 4 या 5 चैप्टर एक दिन में पढ़ने की है तो ये 4 या 5 ही चैप्टर पढ़िए। अगर आपने बना लिया कि मैंने 10 चैप्टर पढ़ने हैं लेकिन आप कर 4-5 चैप्टर पढ़े हैं, तो उससे होगा क्या कि आप जनरली डीमोटिवेट हो जाएंगे, और वो डीमोटिवेशन से क्या होगा, वो आगे भी सारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाएगा। सो हैव रियलिस्टिक टारगेट्स एंड रियलिस्टिक गोल्स।
और जो सिलेबस है, जैसे मैंने ही करा हुआ था अपनी स्टडी टेबल के ऊपर अपना सिलेबस चिपका रखा था प्रीलिम्स और मेंस का, उससे क्या होता था जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो ये कोशिश करता था कि न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स मैं पढ़ रहा हूँ उनको, करंट अफेयर्स को, उनको सिलेबस से कैसे लिंक करना है, और उससे बार बार सिलेबस का एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है तो वो दिमाग में, मतलब दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में, तो सिलेबस चिपका लिए। साथ में एक और एडवाइस है कि मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट ज्योग्राफी के, तो मैप्स मैंने अपनी वॉल पे पेस्ट करे हुए थे और मैं हर रोज 5 से 10 मिनट के लिए मैप देखता था, एक एक सेक्शन, जैसे आज अमेरिका देख लिया, आज नॉर्थ अमेरिका देख लिया, साउथ अमेरिका देख लिया, फिर एशिया देख लिया, उनमें कौन कौन से कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, किस किस के साथ बॉर्डर्स हैं और उनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं। तो इस तरह से क्या होता था कि मैप के लिए स्पेसिफिकली टाइम कभी देना नहीं पड़ा, डेली 10-15 मिनट देख के, मतलब 5-6 महीने में इतना परफेक्ट हो गया था, परफेक्शन आ गई थी कि मैप पता था कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ कौन सी है। अब एक और चीज़ कि अब हम, मैंने आपको ये तो बताया कि टाइम टेबल बनाना है, लेकिन वो टाइम टेबल बनाना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं जनरली क्या करता था, मैं एक एक महीने के टाइम टेबल बनाता था, एक महीने के लिए मैं टारगेट सेट कर लेता था कि मुझे एक महीने में क्या क्या करना है, उसके बाद उस एक महीने को मैं फर्दर स्प्लिट करता था वीक्स में, और उन वीक्स को फर्दर स्प्लिट करता था डेज में, और उन डेज में मैं जॉट डाउन करके, मतलब एक दिन लगता, मुझे एक दिन लगता था ये सब मंथली पूरा प्लान बनाने में, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता था, ट्रैक करने में आसानी रहती थी कि मैंने क्या क्या कर लिया पहले एक महीना, उसके बाद उस महीने को स्प्लिट करिए 4 वीक्स में, उन 4 वीक्स को 7-7 दिन के जो स्लॉट्स हैं आपको उसमें, और उन 7-7 दिन में आपको क्या करना है और अगले दिन क्या करना है। सबसे पहले तो मैं 2 चीज़ें लिखता था, एक तो मैंने जो पूरे दिन में पढ़ा है वो मैं रात को जॉट डाउन करता था ताकि मैं अगले दिन उसको रिवाइज कर सकूँ, और सेकेंड साथ ही उसी दिन रात को मैं ये जॉट डाउन करता था कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है। अगर आप रात को ये सब लिख रहे हैं तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक डाउन कर रहे हैं, और वो सब ट्रैक करने में, वो सब ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि हम, हमारे क्या टॉपिक्स मिस हो रहे हैं और क्या टॉपिक्स हमने ज़्यादा बार पढ़ लिए हैं उसमें हमें एक बैलेंस करने में आसानी होती है। और जैसे कि अगर आपने अपना टाइम टेबल बना लिया है और आपने ऑब्जर्व करा कि 4-5 दिन तक फॉलो करने के बाद आप अपना टाइम टेबल पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने टाइम टेबल को उसी टाइम पे अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर लीजिए जितनी आपकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने बोला, रियलिस्टिक टारगेट्स इंपॉर्टेंट है इनिशियली, कभी कभी हमारे टारगेट्स जो हैं कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल में लाने के लिए आप ऑब्जर्व करिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, उसके बाद अपने टाइम टेबल को अकॉर्डिंगली चेंज करते रहिए। ये नहीं है कि एक एडमेंट टाइम टेबल बना लिया कि ये है तो यही होगा, टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल। साथ में वीक में एक दिन बफर डे रखिए कि आपका कुछ छूट गया या कुछ रह गया या किसी दिन किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम लग गया, ताकि आप उस सबको कंप्लीट कर पाएं। इस प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसको कहते हैं हम स्लीप, नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होती तो होता क्या कि पूरे दिन नींद ही आती रहती है और उस वजह से पढ़ाई प्रॉपरली हो नहीं पाती है। तो 8 से 9 घंटे की जितनी भी आपकी स्लीप है, मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लें, प्रॉपरली लें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूरे दिन नींद नहीं आएगी, फ्रेश रहेंगे। साथ में 10 से, अगर आप घर पे रह रहे हैं तो 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन या फिर योगा या फिर 10-15 मिनट की एक ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, ताकि थोड़ा बॉडी भी फिट रहे, क्योंकि पूरे दिन बैठे बैठे पढ़ने से दिमाग भी थक जाता है और बॉडी भी थक जाती है एक टाइम के बाद। सो 10-15-20 मिनट निकाल के आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में या किसी ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि मैं पर्सनली मेडिटेशन में इन्वॉल्व रहता था, इससे मेरा फोकस बना रहता था, तो मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप एक नॉर्मल वॉक कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे जनरली हम घर पे होते हैं तो हमें कभी कभी नींद आ जाती है, बीच में हम पढ़ रहे हैं तो नींद आ रही है, अब उस टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। मेरा पर्सनल ये रिकमेंडेशन है कि मैं तो उस टाइम पे 10-15 मिनट के लिए एक छोटी सी नैप ले लेता था, जैसे हम दोपहर में खाना खाते हैं तो हमें कभी कभी नींद आ जाती है, या हम उसके बाद तुरंत बाद पढ़ रहे हैं तो नींद आ जाती है, तो एक 10-15-20 मिनट की नैप ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है फिर माइंड पूरे दिन फ्रेश रहता है और आप एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं। फूड में यही रिकमेंड करूंगा कि जंक फूड अवॉइड करिए, स्पाइसी फूड अवॉइड करिए, लाइट खाना खाइए, और फ्रूट्स, नॉर्मल सिंपल जो होममेड फूड है उसी को मैं प्रेफर करता था, और उससे काफ़ी फ़ायदा भी रहता है, हेल्थ मेंटेन रहती है, और आप सभी से भी यही, आप सभी को भी यही रिकमेंड करूँगा। और मैं ये सब जो हेल्थ के बारे में मैंने प्रीलिम्स वाली वीडियो, प्रीलिम्स में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ दोबारा से मेंस में, और इसको बोलने का एक कारण है क्योंकि यूपीएससी का जब इंटरव्यू होता है उसके बाद एक यूपीएससी मेडिक DOPT जो है एक मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट कराता है, और वो मेडिकल टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर इनकेस आपकी, आप ज़्यादा ओवरवेट हो गए या कोई हेल्थ इश्यूज़ जनरेट हो गए तो फिर हो सकता है कुछ सर्विसेज के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो इसलिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और जिस दिन से आप अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू करते हैं
उसी दिन से एक ऑफिसर लाइक एटीट्यूड डेवलप करिए, ये नहीं कि अकड़े घमंड, सिंपल डाउन टू अर्थ पर्सन रहना है और एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी डेवलप करिए, ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करिए, हाउ ऑफिसर्स थिंक। और ये पर्सपेक्टिव जब भी डेवलप होते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो जो एडिटोरियल्स हैं वो काफ़ी रिनाउंड एंकर्स या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं, उनके ब्लॉग्स को रेफर करिए, उनके आर्टिकल्स को रेफर करिए, तो आपका जो माइंडसेट है और आपकी जो थिंकिंग है वो उसी तरह की हो जाएगी एंड इट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू। अब जैसे आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो अब एक और बात आती है कि वहाँ तक मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, स्टडी मटेरियल, जितना भी स्टडी मटेरियल है। तो स्टडी मटेरियल के लिए काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो कि कुछ वेबसाइट्स जो ऑनलाइन हैं जहाँ पे मिल सकता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर भी करवा सकते हैं, कुछ शॉप्स हैं या कुछ लोग हैं जो घर पे कोरियर करवा देते हैं बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन ही घर पर कोरियर आ जाएगा, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऑनलाइन भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं या उनका प्रिंटआउट लेके घर पर खुद पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि आपने मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सारा मटेरियल, जो भी बुक्स आपको रिक्वायर्ड थी या जो भी नोट्स आपको चाहिए थे, आपने वो अरेंज कर लिए हैं, तो उसके बाद आप पढ़ना कैसे है? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बोला था, सबसे पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। अब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे हिस्ट्री उठा लिया या कोई भी जो आपका मनपसंद हो, सबसे पहले यही कोशिश करिए कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसको पढ़िए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको पढ़ने से आपका सब्जेक्ट में ही नहीं बल्कि पूरी प्रिपरेशन में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको उठाइए, उसकी जो भी बुक या जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं उसको पढ़ना शुरू करिए। इनिशियली हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए, बहुत अजीब सा लगे, जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो जब मैंने पहली बार हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये सब पढ़ना शुरू करा तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ आया नहीं, क्योंकि 10th क्लास तक ही पढ़ा था। लेकिन जब आप उसकी एक दो तीन रीडिंग्स ले लेंगे तो आपको सब कुछ समझ भी आने लगेगा और मज़ा भी आने लगेगा। एक एक सब्जेक्ट करके उठाइए, जैसे पहले मॉडर्न इंडिया उठा लिया, हिस्ट्री उठा ली, फिर इकोनॉमिक्स उठा ली, उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, और न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही है। और एक और बात है कि 10 जगह से 10 रिसोर्सेज को रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट के लिए एक रिसोर्स रेफ़र करिए और उसको रादर 10 बार रिवाइज़ करिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में, क्योंकि जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा। साथ में हर टॉपर की स्ट्रैटेजी, चाहे वो मेरी ही हो या किसी और की हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। हमारी स्ट्रैटेजी, जितने भी टॉपर्स हैं सबकी स्ट्रैटेजी से इनपुट्स लेके उस स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग फाइन ट्यून कर लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर किसी का माइंड, हर किसी की स्ट्रेंथ्स और हर किसी की वीकनेसेस अलग अलग हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी को टॉपर्स की स्ट्रैटेजी से लेके, उनसे इनपुट्स लेके उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करिए। और इनिशियली जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जितने भी 9th से 12th क्लास तक की NCERTs हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, अपना बेस उन्हीं को रखिए, क्योंकि NCERTs आर द बेसिक्स। इवन कुछ क्वेश्चंस जो NCERT से डायरेक्ट रिपीट भी हो जाते हैं पेपर्स में, एग्जाम्स में, तो NCERT को बेसिक्स रखिए। उसके बाद भले ही एक एक स्टैंडर्ड बुक को आप रेफर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट की, बट इनिशियली NCERTs आर द बेसिक्स। आफ्टर दैट नाउ वी आर स्पेसिफिकली कमिंग टू द स्ट्रैटेजी फॉर मेन्स। इन मेन्स देयर आर टोटल 9 एग्जाम्स। वन इज़ एस ए, फोर पेपर्स आर ऑफ जनरल स्टडीज़, 2 आर ऑफ ऑप्शनल एंड 2 आर ऑफ लैंग्वेज। सो वन बाय वन आई विल लाइक टू शेयर रिगार्डिंग दिस। निबंध लिखने के लिए, एसे को लिखने के लिए आप थोड़े फिलोसॉफिकल एसेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि UPSC ने एसेज का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करा है, फिलोसॉफिकल एसेज पूछ रहे हैं, तो थोड़ा फिलोसॉफिकल एसेज पे ध्यान दीजिए। इनिशियली एसे लिखना एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा भी नहीं होता है और कुछ हमें ज़्यादा आता भी नहीं है, तो एसेज के लिए सिंपल यही बोलूँगा कि जो अच्छे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए, और उनमें ये देखिए कि वो एडिटोरियल्स की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, वो एडिटोरियल्स का एंड कैसे हो रहा है, और उनमें क्या क्या डेटा मेंशनड है, इसको सबकॉन्शियसली आप ट्रैक करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपको एक पर्सपेक्टिव धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, एक एसे लिखना कैसे है। इनिशियली यही इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़पेपर रीडिंग से इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। फिलोसॉफिकल एसेज कुछ लिख लेना, जब भी मेंस के प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के लिए स्पेसिफिकली देने जाएंगे, प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 10 एसेज लिख के ज़रूर जाना, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे लिखो, उससे एक रूटीन में आप आ जाते हैं एसे कैसे लिखना है, और उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लग जाता है और सुधार करने का मौका मिलता है। अपने एसेज को अपने टीचर से या अपने गाइड से इवैल्यूएट भी करवा लीजिए, अपने नेबर्स हैं, कोई भी बंदा है जिससे आप करवा सकते हैं तो उनसे इवैल्यूएट करवा लीजिए। साथ में अब हम आते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हैं, GS 1,
GS2, GS3 और GS4। GS1 का जो पेपर है उसमें ज़्यादातर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज़ ऐसे टॉपिक्स हैं। इसके लिए आप हिस्ट्री की जो आपने बुक्स रेफ़र करी है मेंस के लिए, वो प्रिलिम्स के लिए, उन्हीं को रेफ़र करिए। मेंस में बस हिस्ट्री में एक टॉपिक बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद का भारत, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री कि वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसी थी। तो इसके लिए जो नॉर्मल स्टडी मटेरियल्स हैं वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके लिए मैं बिपिन चंद्रा और नॉर्मन लो रेफ़र करता था हिस्ट्री के इन दोनों पार्ट्स के लिए। सोशल इश्यूज़ के लिए मेरा जो सोर्स था वो करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स ही था। ज़्यादा मैंने सोशल इश्यूज़ के लिए कुछ रेफ़र नहीं किया। साथ में जो मेरे क्लास नोट्स थे वो कोचिंग के। और इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए NCERTs वर सफिशेंट। और ये सब जो भी आप टॉपिक्स करेंगे GS1 के लिए, उनको करंट अफेयर्स से ज़रूर लिंक करना ना भूलें। जो भी आप पढ़ रहे हैं चाहे वो किसी भी तरह का है, उसको करंट अफेयर्स से ज़रूर लिंक करें। अब आते हैं GS Paper 2 में। GS Paper 2 में मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं था क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस था। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ काफ़ी सारा ओवरलैप है GS के पेपर्स में, तो GS के पेपर 2 में तो मेरा उसी से प्रिपेयर हो गया था। जैसा कि मैंने बोला कि जो जनरल स्टडीज़ के जो भी जितने भी पेपर्स के लिए आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे उसको करंट अफेयर्स से लिंक करते रहिए। आप करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी हो सकता है, आप कोई ऑनलाइन पोर्टल रेफ़र कर सकते हैं या कोई भी मैगजीन रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसे टेंडेंसी होती है, कुछ लोग एवर नोट पे नोट्स बनाते हैं जो पर्सनल नोट्स होते हैं, कुछ लोग हैंड रिटन बनाते हैं। तो जनरली मैंने इतने ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर करे नहीं है किसी भी टॉपिक के लिए, लेकिन जो कुछ भी मुझे लिखना होता था मैं जनरली हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करता था क्योंकि उससे एक राइटिंग हैबिट भी बन जाती थी। क्योंकि मेंस का जो पेपर होगा वो जनरली एक रिटन पेपर होता है। कुछ लोग एवर नोट पे, जैसे कुछ लोग जॉब कर रहे हैं या कुछ लोगों की कंपल्शन है, वो एवर नोट पे भी बना सकते हैं। मैंने जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 2 है उसके लिए कुछ ज़्यादा कोई खास प्रिपरेशन करी नहीं थी क्योंकि जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है वो मेरे ऑप्शनल से पूरा का पूरा ओवरलैप करता था। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है और उससे पूरा ओवरलैप करता था, तो इसीलिए मैंने GS पेपर 2 के लिए कोई ज़्यादा प्रिपरेशन करी नहीं थी। बस एक ही कुछ बुक्स जो ऑप्शनल के लिए रेफ़र करी थी, जैसे कि लक्ष्मीकांत, DD Basu और बिपिन चंद्रा, और साथ में इन सब चीज़ों इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ज़्यादातर न्यूज़पेपर और राज्यसभा TV के जो डिबेट्स आते हैं, इंडियाज़ वर्ल्ड और वर्ल्ड पैनोरामा, ये रेफ़र करता था। साथ में करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उनको बस। अब हम आते हैं GS Paper 3। GS Paper 3 में ऐसा ऑब्जर्व करा गया है कि जो नॉन साइंस एंड टेक बैकग्राउंड के लोग हैं उनको थोड़ा घबराहट रहती है क्योंकि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है, एनवायरनमेंट के बारे में, सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में। सो ये इतना घबराने का इशू नहीं है क्योंकि जो इसमें साइंस एंड टेक पूछता है, इवन वो इंजीनियर्स को भी या जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इसीलिए GS Paper 3 के लिए ज़्यादातर जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी, करंट अफेयर्स मेंस के लिए और साथ में कुछ, मतलब GS Paper 3 के लिए मेरा सारा सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी थी और साथ में मेरे क्लास नोट्स जो मेरे कोचिंग के थे। एथिक्स के लिए कुछ चीज़ें, एथिक्स के दो सेक्शंस होते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन होता है, दूसरा होता है केस स्टडीज़। स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने क्लास नोट्स रेफ़र करे थे, साथ में एक बुक रेफ़र करी थी लेक्सिकॉन। और केस स्टडीज़ के लिए जनरली मैं कुछ केस स्टडीज़ जो इधर उधर टेस्ट सीरीज़ में या जो स्टडी मटेरियल्स में मिल जाती थी उनको रेफ़र कर लेता था, तो उन्हीं से मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। कुछ केस स्टडीज़ एग्ज़ाम लिखने से पहले ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। और अब हम आते हैं, दो एग्ज़ाम्स हमारे और होते हैं ऑप्शनल के। अब ऑप्शनल आप जो भी चूज़ करें, बस एक ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मैं PSIR के लिए एक अलग से कुछ टिप्स दे दूंगा, लेकिन आपका ऑप्शनल जो कोई भी है ऑप्शनल के लिए थॉरो प्रैक्टिस करें क्योंकि ऑप्शनल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शनल में ही कम मार्क्स थे, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था कुछ ही मार्क्स से, लेकिन इस अटेम्प्ट में ऑप्शनल में ठीक ठाक स्कोर आया है। तो ऑप्शनल को इग्नोर ना करें, जो भी आपका ऑप्शनल है उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाएं, क्रैश कोर्स करें, कुछ भी करें, अपना ऑप्शनल टिप्स पे होना चाहिए आपका। मैं सोचता हूँ अगर आपको अभी भी अपना ऑप्शनल चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए और फिर अपना ऑप्शनल डिसाइड करिए। सबसे पहले सिर्फ NCERTs रीड करिए, 11th जो भी आप GS की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। साथ में हर ऑप्शनल, जो आपने ऑप्शनल्स शॉर्टलिस्ट करें उनके सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए। जिस ऑप्शनल में इंटरेस्ट हो और जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों उसी ऑप्शनल को चूज़ करें, भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ऑप्शनल डिसाइड करना अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इसीलिए ऑप्शनल डिसाइड करते समय थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। साथ में एथिक्स के लिए एक और चीज़ कहना चाहूँगा, एथिक्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी सारी चीज़ें जी हुई हैं, लेकिन एथिक्स का काफ़ी पैटर्न चेंज भी हुआ है पिछले 2-3 सालों में। अब UPSC जो है वो स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, सो इट मीन्स कि वो आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं।
तो अभी से ही अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करना शुरू करिए। ये नहीं कि आपने थियोरेटिकल चीज़ें रट ली तो एथिक्स के पेपर में मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, जैसे मैंने एक बुक साथ में रेफ़र करी थी एथिक्स के लिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय महात्मा गांधी। सो उसकी काफ़ी उस वो किताब इतनी अच्छी है, उसके काफ़ी सारे इनपुट्स मैंने अपने एथिक्स के पेपर में इन्वॉल्व करे, इवन दोज वर हेल्पफुल इन केस सॉल्विंग केस स्टडीज एज वेल। और साथ में ऐसी बुक कुछ एक अच्छी कोई एक अच्छी बुक साथ में पढ़ना आपको हेल्प भी कर सकता है, और कुछ जगह एग्जांपल्स कोट करने में भी हेल्प कर सकता है। साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, उसको भी केयरफुली वॉच करिए, क्योंकि उससे भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। क्योंकि ये जीएस एग्ज़ाम जो है, ये सिर्फ एक पढ़ने का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल होने का भी एग्ज़ाम है कि आप कितने प्रैक्टिकल हैं। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए वही अपने प्रिपरेशन करें। साथ में एक लास्ट पोर्शन रह गया, लैंग्वेज के दो पेपर्स होते हैं, एक तो कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर है इंग्लिश का, और साथ में एक रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है। मेरा लैंग्वेज ऑप्शन लैंग्वेज का जो ऑप्शन था वो हिंदी था। ये आपके साथ आप सबके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व करा गया है कि काफ़ी सारे लोग लैंग्वेज के पेपर्स में ही फेल हो जाते हैं, या फिर वो लैंग्वेज के पेपर्स को पास नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लैंग्वेज के पेपर में पास नहीं हो पाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आपके बाकी सारे पेपर्स इवेल्यूएट ही नहीं होते हैं एज़ पर यू रूल्स एंड रूल्स ऑफ UPSC। आपके पेपर्स इवेल्यूएट ही नहीं होते हैं अगर आपने लैंग्वेज में पास नहीं हुए। तो जैसे मेरा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने एक कुछ चीज़ें करी थी एक एग्ज़ाम मेंस के एक महीने पहले, जो काफ़ी हेल्पफुल रही दोनों बारी। सबसे पहले एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था हिंदी का, हिंदी लैंग्वेज के लिए। साथ में एक पेज डेली लिखता था हिंदी का मॉर्निंग में, एक पेज किसी भी टॉपिक पे, कोई भी चाहे न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल आ रहा है उसको हम संपादकीय कहते हैं, उसको देख देख के लिख लो, वो हिंदी में काफ़ी हेल्पफुल होता था। और साथ में यूनिक की एक बुक आती है ग्रामर की हिंदी के, उसमें लोकोक्ति मुहावरे पर्यायवाची लोम विलोम शब्द ये सब होते थे। तो एक महीने पहले ये मैंने थोड़े थोड़े पढ़ने शुरू कर दिए थे, जिससे काफ़ी हिंदी लैंग्वेज के पेपर में इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब ये मान के चले कि आपने जितना आपको पढ़ना था करंट अफेयर्स या जो भी स्टार्टिंग मटेरियल आपका है आपने वो पढ़ लिया, तो अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ जो भी है, वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, मॉक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारा माइंडसेट प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं कि हमें एग्ज़ाम हॉल में कैसे परफॉर्म करना है, हमारे को हमारी गलतियाँ जानने में आसानी होती है अगर हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं। तो प्रीलिम्स से पहले मैं लगभग 30 से काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल और क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते थे तो मैं उनको सॉल्व करता था। सिमिलरली मेंस में भी मैं यही करता था, एग्ज़ाम से एक महीना पहले हर रोज़ एक टेस्ट पेपर लिखता था ताकि मेरी राइटिंग की स्पीड बन जाए, थोड़ी सी राइटिंग सुधर जाए और एग्ज़ाम हॉल में लिखने में परेशानी ना हो। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं और ज़्यादा लिख नहीं रहे, तो वो भी एक परेशानी का, क्योंकि एक वीक में 9 पेपर होते हैं मेंस के। तो इसीलिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं हर रोज़ एक पेपर लिखता था, हर रोज़ एक टेस्ट पेपर लिखता था मेंस का एक महीना पहले। उसमें ऑप्शनल भी इंक्लूड है, SA भी इंक्लूड है और GS भी इंक्लूड है। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप तो टेस्ट सीरीज़ को किसी भी कोचिंग का सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं पे भी आप ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल भी होते हैं, उनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, उनका स्टडी मटेरियल या क्वेश्चनेयर मिल जाता है। और एक और अच्छा सोर्स है इनसाइट सिक्योर है, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस डेली मिल जाते हैं मेंस के, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। जैसे अब बात होती है इवैल्यूएशन की, कि आपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया तो आप अब इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। जो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट होता था वो तो मैं घर पे बैठ के खुद ही इवैल्यूएट कर लेता था, क्योंकि वो सिर्फ एक टिक मार्क वाला होता है। लेकिन जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ होती थी उसमें क्या होता था, मैं लिखने के बाद उस अपने आंसर को जो मॉडल आंसर होता है, जो उसका आंसर की होती है, उससे ही कंपेयर करता था और उससे ही 2-3 बार रीड करके ये पता करता था कि मेरे आंसर में क्या कमी थी जो मॉडल आंसर से और मॉडल आंसर में है, और उनको साथ में जॉट डाउन कर लेता था कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को बार बार 2-3 बार रिवाइज करता था। अब जो टॉपर्स की आंसर शीट्स हैं कि टॉपर्स को किस बात पर मार्क्स मिले, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो जनरली हम ये जान नहीं पाते। तो काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन टॉपर्स की आंसर शीट्स अवेलेबल हैं, जैसे फोरम पे है, और विजन की वेबसाइट पे चले जाओ तो वहाँ पे टॉपर्स की टेस्ट सीरीज़ जो है उनकी आंसर शीट्स अवेलेबल है मेंस की। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि टॉपर्स जो जिन लोगों की अच्छी रैंक आई है उन लोगों ने कैसे आंसर लिखा, और उससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा आंसर लिखने के लिए। एट द एंड मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ
कि अपना जो रीज़न है उसको डेली ध्यान में रखिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ताकि क्योंकि ये जर्नी जो है ये काफ़ी लंबी है। कुछ लोगों को एक साल लग जाता है, कुछ लोगों को दो लग जाते हैं, कुछ लोगों को इवन पाँच पाँच छः छः साल भी लग जाते हैं। इसलिए मोटिवेटेड रहना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है। सो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकेस आप दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं तो डीमोटिवेट ना होइए, घर पे बैठ के तैयारी करिए, आराम से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। थैंक यू।